गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम लास्ट ईयर चकबंदी लेखपाल के पेपर में सामान्य हिंदी के सेक्शन में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर हम नज़र डालेंगे और उन प्रश्नों का डिस्कस करके उनका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर देते हैं और बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि वह जो है भला चाहने वाला उसको क्या कहेंगे। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए थे, सहायक, निस्वार्थ, पुण्यात्मा और हितैषी। इनमें से जो राइट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है, वह है आपका सहायक। जो भला चाहता है उसको सहायक कहा जाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बताया था कि किसी की सहायता करने वाला को क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, सहकार कहेंगे, सहायक कहेंगे, या सहृदय कहेंगे, या सहचर कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वह है आपका सहायक। किसी की सहायता करने वाले को हम सहायक कहते हैं। और दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन आया था, तीन और चार क्वेश्चन जो थे इसमें कहा गया था कि वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीन में आपको देखिए, चार जो है विकल्प दिए गए थे। पहला है कि वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी और एक विदुषी महिला थी वह। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, वह एक विदुषी महिला थी। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वह सी वाला है, वह एक विदुषी महिला थी। और जो क्वेश्चन नंबर आपका फोर था उसमें भी आपके इसी प्रकार से चार ऑप्शन दिए गए थे और उनमें से आपको करेक्ट वाला चुनना था कि कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। पहला था, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था वह था आपका दोस्तों बी, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ये वाक्य आपका करेक्ट है। और दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर पाँच और छः पूछा गया था उसमें था कि अनेकार्थी जो शब्द दिए गए थे, उन अनेकार्थी शब्दों में से एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताना था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच था कि कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, कनक का दूसरा अर्थ क्या होगा, सोना होगा, प्रसाद होगा, या कसौटी या आभूषण। चार ऑप्शन थे। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है सोना। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा और एक अर्थ होता है सोना। तो इस प्रकार से पांचवे का आपका जो है करेक्ट आंसर था सोना। और दोस्तों जो छठा क्वेश्चन पूछा गया था, छठा क्वेश्चन में था आपका कि प्रमत्त का जो दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो होता है दोस्तों स्वेच्छाचारी और दूसरा अर्थ क्या होगा। तो दूसरा अर्थ इसमें चार ऑप्शन दिए थे, एक था उत्कृष्ट, दूसरा था उन्मत्त, तीसरा था प्रपीड़ित और चौथा था परितप्त। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर था वह था उन्मत्त। उन्मत्त जो है प्रमत्त का जो है उसका अर्थ होता है दूसरा अर्थ, एक होता है स्वेच्छाचारी और दूसरा अर्थ उसका निकलता है उसको कहते हैं उन्मत्त। तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था। और दोस्तों बताएंगे हम आपको क्वेश्चन नंबर सेवन क्या था। क्वेश्चन नंबर सेवन में आया था दोस्तों कि रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों दिया गया था कि रीत अनुसार और ऋतु अनुसार। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था वह था रीति अनुसार। ये बी वाला आपका जो है करेक्ट आंसर था। अब दोस्तों हम देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट आया था समास से संबंधित कि त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए थे, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विग। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर था वह था आपका द्विग, क्योंकि त्रिवेणी में पहला शब्द त्रि है, तो त्रि जिसमें संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विग समास होता है। तो यहाँ पर आपका द्विग समास जो है करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर एट में। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका नाइन था कि निम्नलिखित वाक्य में छपे मोटे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। जैसे कि दिया गया था, अत्यधिक व्यवस्थता से जीवन में निरस्ता आती है। तो जो अत्यधिक था इसमें अत्यधिक को सही तरीके से किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसको हम ना तो जो है अत्याधिक लिखते हैं, ना अत्याधिक लिखते हैं, ना अत्यधिक, बल्कि उसको अत्यधिक लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वह था आपका बी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट था, अत्यधिक। तो यहाँ पर अत्यधिक जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर, तो अत्यधिक यहाँ पर क्योंकि सही दिया गया है तो इसलिए अत्यधिक यहाँ पर सही है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेन था
कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें चार ऑप्शन थे, चाकू, चाकुए, चाकुओं और चाकुओं। तो इसका करेक्ट आंसर है चाकू, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 11 था, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, विद्यावंती, विदुषी, विद्वंती और विद्यामती। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विदुषी, क्योंकि विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 आया था वह था कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है, चार शब्द दिए गए थे दोस्तों। पहला है आपका गहरा, तीखा, अटारी और निकृष्ट। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा है, तो इसका जो है आपका आंसर जो है बी, यानी कि तीखा जो है यह आपका जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 था कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करने के लिए पूछा गया था कि कौन सा तद्भव शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए थे, आश्रम, प्यास, प्रांगण और उद्देश्य। जो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों हुआ था आपका प्यास, प्यास जो है यहाँ पर जो है आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 था कि इसमें पूछा गया था कि कौन सा रस है। तो दिया गया था, अखियों हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रच रस राची, ए बतियाँ सुन रूखी। इसमें पूछा गया था उपरोक्त में कौन सा रस है। चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि अखियाँ हर दर्शन की भूखी, यहाँ से वियोग रस पता चल रहा है, वियोग, वियोग का यहाँ पर जो है आभास हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से ऑप्शन थे, संयोग श्रृंगार रस, वीर रस, वियोग श्रृंगार रस और शांत रस। क्योंकि वियोग जो होता है वो श्रृंगार का ही पार्ट होता है, श्रृंगार रस का ही। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वह है आपका सी, यानी कि वियोग श्रृंगार रस। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 था, इसमें पूछा गया था कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो आया था काली घटा का गमन घटा, बहुत ही फेमस है इसमें जो है अलंकार, या सभी को मालूम होगा या तो उदाहरण ही है, चलिए बता देते हैं फिर भी। पहला था रूपक, दूसरा था यमक, तीसरा था उपमा, चौथा था उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा होगा नहीं, रूपक भी नहीं होगा आपका, बच्चे यमक और उपमा में कन्फ्यूजन रहता है ज़्यादातर। तो यमक और उपमा में आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो है आपका जो है यमक अलंकार है, यमक अलंकार जो है काली घटा का गमन घटा, ये उसका उदाहरण है यमक अलंकार का। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। और दोस्तों जो इसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 16 और 17, इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से, वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले भाग को चुनना था कि किस भाग में त्रुटि है। ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 16 था, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो अपने अपने किताबें ना होकर दोस्तों यहाँ पर होगा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो यहाँ पर पार्ट ए जो है इसका गलत है कि अपनी अपनी किताबें। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है आपका जो आंसर जो हुआ वह हुआ ए वाला, अपनी अपनी किताबें, तो यहाँ पर अपने अपनी किताबें गलत दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर जो है 17 था कि मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं। खरीदने ना होकर दोस्तों यहाँ पर खरीदना होगा। तो यहाँ पर ए वाला भी सही है, बी वाला लीची खरीदने वाला, इसमें त्रुटि है, मुझे लीची खरीदना है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदना है, तो यहाँ पर लीची खरीदने नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका सी वाला, यानी लीची खरीदने है, या गलत दिया गया है। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 18 और 19, इसमें पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों के आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 18 था, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसको क्या कहेंगे। इसमें आपके दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए थे, असामयिक, अभ्यागत, गणमान और अतिथि। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है अतिथि। अतिथि जो होता है उसके आने का कोई समय निश्चित नहीं होता, अतिथि जो है वह कभी भी आ सकता है। तो जो कभी भी आ जाए अचानक, यानी जिसका समय निश्चित ना हो, उसको अतिथि कहा जाता है। अतिथि मतलब जिसकी तिथि निश्चित ना हो आने की, तो इसी नाम से इसको अतिथि कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है डी वाला है। और एक क्वेश्चन हमारा भी फिल करने वाला बच्चा है कि माता जी को क्या इसमें भरा जाएगा, स्नेह,
आशीर्वाद, शुभकांक्षा या प्रणाम। तो माता जी को सभी जानते हैं कि माता जी को हम प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वह हो गया डी वाला। तो माता जी को हम प्रणाम करते हैं तो यहाँ पर प्रणाम जो है आपका भरा जाएगा, प्रणाम इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। चार ऑप्शन है, निर्मल, पंकिल, नीरज और नीरत। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह दोस्तों होगा निर्मल। निर्मल जैसे निर्मल वाक्य जो है स्वच्छ का पर्यायवाची है, चाहे हम किसी को निर्मल कहें या उसको हम स्वच्छ कहें। निर्मल मन से या स्वच्छ मन से आपने सुना होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज निर्मल। तो निर्मल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। और जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, इसके चार ऑप्शन दिए थे, कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका डी, यहाँ पर अधिकरण कारक जो है। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों आपका 22 है, वह कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला हूँ। ये वाला भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया। केवल राइट आंसर बी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि इसमें लास्ट में करूँगा आ रहा है, जिसमें गा गी गे आता है वहाँ पर भविष्य का होता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका दिया गया है कि उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय शब्द का विलोम शब्द, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। उदय का अस्त दिया गया, लाल, भाषित, बलिष्ठ। उदय माने जो उगना और अस्त माने जो है अस्त होना। तो सूरज उदय होता है फिर अस्त होता है, तो उदय और अस्त जो है विपरीत है। तो यहाँ पर उदय का विलोम अस्त होगा दोस्तों। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों आपका ए वाला जो है अस्त। और जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 24 और 25 है, इसमें आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 था कि जूते चाटना, इसका जो है इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पहला आया था खुशामद करना, फर्स्ट ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन है इधर उधर घूमना, सी ऑप्शन है घूस देना, डी ऑप्शन है जूतों को चमकदार बनाना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका है खुशामद करना। जूते चाटना मतलब खुशामद करना होता है। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। जूते चाटना मतलब खुशामद करना, यानी चापलूसी करना किसी की दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों कि ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा। तो ऊँट के मुँह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या होगा। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। बी ऑप्शन है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तीसरा ऑप्शन है जानवर को दवाई देना। चौथा ऑप्शन है बड़े प्राणी को सांत्वना देना। तो सी वाला भी गलत, डी वाला भी गलत और ए वाला भी गलत। बहुत बड़े प्राणी को भोजन देना या भी गलत। इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो इसका आपका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही है। 25 का बी ऑप्शन यानी कि ऊँट के मुँह में जीरा का सही अर्थ है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो ये था 25 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमारे 25 क्वेश्चन जो है, जो लास्ट ईयर चकबंदी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 25 क्वेश्चन हिंदी सेक्शन से पूछे गए थे, उन 25 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आपके सामने और एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर उसका आंसर भी बताया है। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को न प्रेस किया हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए,
ताकि जो है चकबंदी लेखपाल से संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो आप जो आए या कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आपने चकबंदी लेखपाल हमारी जो प्लेलिस्ट है चकबंदी लेखपाल की, जहाँ से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर लेटेस्ट जो है वीडियो आ रही हैं, उनको अगर आप पाना चाह रहे हैं चकबंदी लेखपाल से संबंधित जीएस की ट्रिक्स हों या मैथ की ट्रिक्स हों या जो है ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित जो क्लासेज हैं, उनको भी हम अपनी प्लेलिस्ट के माध्यम से चलाएंगे, तो आप हमारे मिशन चकबंदी लेखपाल की प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी चकबंदी लेखपाल से संबंधित। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, हमें आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा, इसके साथ साथ हमारे वीडियो को शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों ये था हिंदी का सेशन और जो जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे जो 25 क्वेश्चन, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन आए थे, जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित 25 क्वेश्चन, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।